बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारे इस चैनल में आप सबका खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया का जो मैच होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का तारीखी मैच होने वाला है। इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मैच के लिए अपनी जबरदस्त प्लेइंग 11 जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी मोहम्मद आमिर का भी जगह पक्की हो चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे चलकर आपको डिटेल से बताएंगे एक एक चीज, ताकि आपको डिटेल से समझ आ जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे हमें यह बताइए कि क्या आप मोहम्मद आमिर को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में देखना चाहते हैं या नहीं, नीचे कॉमेंट बॉक्स में लाजमी हमें बता दीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान में मुकाबला इंडिया का जो मैच होने वाला है वो अहम तरीन मैच होने वाला है, इसीलिए वजीर आजम इमरान खान, रमीज राजा और बाबर आजम ने मिलकर यह सिलेक्शन की है। दोस्तों, सबसे पहले तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ओपनिंग करेंगे, ये बात तो पक्की हो चुकी है। वन डाउन पर हैदर अली आएंगे, इसके बाद मोहम्मद हाफिज आएंगे बैटिंग करने के लिए, फिर उसके बाद शुएब मलिक आएंगे, फिर इमाद वसीम आएंगे। दोस्तों, ये तो पाकिस्तान के हो गए, इसके अलावा मोहम्मद नवाज को भी जगह मिल सकती है और साथ में शाहीन शाह अफरीदी होंगे, मोहम्मद आमिर होंगे, जी हाँ दोस्तों आप लोगों ने सब सही सुना, इसके अलावा उस्मान कादिर होंगे और शादाब खान होंगे। दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है ये डेडली कॉम्बिनेशन है और पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन टीम इसी खिलाड़ियों के बदौलत बन सकती, तो इंशाल्लाह इंडिया के जबड़े तोड़ देंगे ये टीम। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप अगर आप इस टीम से मुत्तफिक है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलना चाहूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।